गुड मॉर्निंग क्लास 3 बेटा, पनोरमा की बुक है ये, पेज नंबर 8। और स्टोरी है फॉक्स और क्रेन की, फोटो आप देख रहे हो, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेसन भी आपको इससे मिलेगा। और हो सकता है कि स्टोरी आपने पढ़ी भी हो, फिर भी सुनिए। ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये फॉक्स है बेटा, ये क्रेन है, ठीक। दोनों फ्रेंड्स थे, बढ़िया फ्रेंड्स थे दोनों। और ये दोनों क्या करते थे कि कोई भी छोटा मोटा एनिमल अपना, ये लोग अपना मारे उसको जान से, और उस एनिमल को खाते थे आपस में मिल बांट करके। ये लोग ऐसे चलता था, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी। जो भी शिकार करता था, चाहे फॉक्स चाहे क्रेन, तो आपस में शेयर करके खाते थे उस एनिमल को जिसका शिकार करते थे, और छोटे मोटे एनिमल का शिकार करते थे। एक दिन क्या हुआ भाई, फ्रेंड्स तो थे ही ना, तो आप लोग भी करते हो ना, कभी बर्थडे किसी का होता है, आप लोग अपने घर में फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो, खाना पीना होता है। तो इसी तरह से क्रेन ने भी अपने फ्रेंड फॉक्स को इनवाइट किया कि तुम डिनर पे मेरे यहाँ आओ, रात का खाना मेरे साथ खाना। ये कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, देख रहे हैं फोटो आप लोग। बेचारे फॉक्स ने दिन भर कुछ खाया नहीं, उस दिन सोचा कि क्रेन बढ़िया बढ़िया खाना बनाए रहेंगे तो मैं चल के भर पेट खाऊंगा, ऐसे कुछ खा लूंगा तो भूख थोड़ी कम हो जाएगी, तो अच्छे से नहीं खा पाऊंगा वहां पे। फिर शाम हुई तो बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के, भाई कहीं जाते हो तुम लोग तो खूब बढ़िया से मेंटेन होकर जाते हो ना, ढंग से कपड़ा उपड़ा पहन के। ये भी है ना, कपड़ा पहने दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा किया इन्होंने। और तैयार होके, सेंस है कि तैयार होके कपड़ा पहन के, क्या ही कपड़ा कहाँ पहने देख ही गए, वो भाव ये है कि तैयार होकर के गए क्रेन के घर शाम को। लेकिन देख रहे हो बेटा फोटो, क्रेन ने कहाँ पे खाना परोसा है, क्रेन ने एक ये सुराही की तरह का लॉन्ग नैरो नेक, यानी सकरे गले वाला जार है, जिसका गला देख रहे हैं सकरा है। अब इसमें भला ये बताओ बेटा, फॉक्स का सिर कैसे जाएगा इसमें, कैसे फॉक्स कुछ भी खा पाएगा। वही हुआ, क्रेन जी के पास तो लंबी चोंच है, तो ये चोंच डाल के अपना बर्तन में खा लिए। अब ये बेचारा कैसे खाएगा, कुछ नहीं खा पाया, चुपचाप देख रहा है। और क्रेन खा पी लिया, उसके बाद इससे पूछ भी नहीं रहा है कि हाँ, या देख भी नहीं रहा है कि हाँ तुम नहीं कुछ खा पा रहे हो, जबकि वो समझ रहा था कि ये कुछ नहीं खा पा रहा है, फिर भी कोई केयर नहीं किया। फिर खाने के बाद पूछ रहा है कि फ्रेंड तुमने एंजॉय किया ना डिनर को, आनंद उठाया ना डिनर का। फॉक्स भी बेचारा क्या करे, गुस्सा तो उसको बहुत आया था, लेकिन अपने आप को एकदम कंट्रोल किया गुस्से को, और मुस्कुरा के बोला कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया डिनर था। और फिर तुरंत फॉक्स ने क्या किया कि क्रेन को इनवाइट किया नेक्स्ट डे, ठीक है। जब क्रेन को इनवाइट किया तो भाई क्रेन भी उसी हिसाब से गए, बिना खाए पिए कि चलो वहां तो बढ़िया बढ़िया खाना वो बनाया ही होगा। पहुंचे तो देखो कैसे खाना सर्व किया गया है, प्लेट में खाना सर्व हुआ है। अब जब प्लेट में खाना सर्व हुआ है तो क्रेन अपनी चोंच से नहीं खा पा रहे हैं, और ये फॉक्स तो जीभ से चाट चाट के पूरा अपना खा लिया। और फिर जब चलने का वक्त हुआ तो फॉक्स ने क्रेन से पूछा कि फ्रेंड तुमने तो अच्छे से एंजॉय किया होगा डिनर को, अब ये भी क्या कहते। बोले कि हाँ हाँ बहुत मजा आया।
बेचारे घर आए भूखे प्यासे, लेकिन इनको ये सबक मिला, ये लेसन मिला कि कभी किसी के साथ ऐसी चीटिंग, ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ किया था। किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वही फ्रेंड के साथ तो सवाल ही नहीं उठता, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको आमंत्रित किया और इस ढंग से आपने डिनर सर्व किया है। यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, कोई भी मील आप इस तरह से सर्व कर रहे हैं कि जो आमंत्रित व्यक्ति है, गेस्ट है, वो उसको ग्रहण ही न कर पाए, तो इससे क्या फायदा? फायदा भी नहीं और उसको बुरा भी लगेगा, उसको तकलीफ भी होगी। तो कोई आचरण ऐसा मत करिए दूसरे के साथ जो आपको खुद अच्छा न लगता। ठीक है बेटा, ये तो लेसन आपका है ही, आपकी बुक की टिट फॉर टैट। देखिए ये मोरल है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, बहुत बढ़िया मोरल है। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, यानी जिस तरह से क्रेन ने फॉक्स को परेशान किया, वैसे ही फॉक्स ने क्रेन को परेशान किया। तो बहुत सा मोरल आप लोगों को बता दिया गया भैया, सब समझिए, सीखिए, जानिए। ओके बेटा, थैंक यू।